शोपियां से आ रही है, जहां सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच एनकाउंटर चल रहा है। शोपियां में कई आतंकवादियों के छिपे होने की आशंका है। सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन के दौरान पूरे इलाके को घेरकर ऑपरेशन शुरू कर दिया है। तो शोपियां से इस वक्त की बड़ी खबर, आपको बता दें कि सुरक्षा बलों ने यहां पर एक ऑपरेशन शुरू किया है, क्योंकि खबर मिली है कि कश्मीर के शोपियां में कुछ आतंकवादी छिपे हुए हैं, जिस कारण पुलिस और आतंकवादियों के बीच ये एनकाउंटर चल रहा है। सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है और आतंकवादियों की तलाश की जा रही है। आज सुबह बद्रीनाथ धाम के कपाट खुल गए। सुबह 4:30 बजे वैदिक मंत्रोच्चार के बीच बद्रीनाथ के कपाट खुल गए। कोरोना महामारी की वजह से इस बार बेहद सादगी के साथ कपाट खोले गए। कपाट खोले जाने के वक्त मुख्य पुजारी रावल और धर्माधिकारी सहित कुल 27 लोग मौजूद थे। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, सुबह 7:25 से भविष्यवाणी बिना ब्रेक के, यानी कि नॉनस्टॉप